गुड मोदी क्या मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नीलम भार्गव है और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर थी और 2021 में रिटायर हुई। और उसके बाद मैंने एक साल जो है अपना थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि 36 ईयर जो है काम किया, तो उसके बाद लगा कि थोड़ा सा समय अब अपने लिए भी निकालना चाहिए। लेकिन केवल समय निकालने से या रेस्ट करने से ही काम जो है वो नहीं चल सकता। तो मैंने जो है मोदी केयर को, मेरी बात हुई रचना जी से जो कि मेरी गुरु बहन है, और उन्होंने मुझे समझाया मोदी केयर के बारे में, और मैंने 22 में मोदी केयर को ज्वाइन किया। और मैं बहुत खुशी खुशी जो है, जैसे जैसा रचना मैं मुझे कहती है, मैं उसी हिसाब से काम जो है कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि लोग जो है उनको अपना घर जो है वो मोदी केयर की से बना रहे हैं, नई नई गाड़ियां जो है वो ले रहे हैं, और फॉरेन ट्रिप्स है और डोमेस्टिक ट्रिप्स जो है वो सब कर रहे हैं। तो लगा कि यहाँ पर जब हम ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, तो हम बहुत कुछ जो है अपने लिए कर सकते हैं, अपने लिए अपने हिसाब से जो है उसको कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे, उसमें यही सब जो है वो बताया जाने वाला एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। जितने हमारे नए जो मेंबर्स आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब हमने ज्वाइन तो कर लिया, आगे हम क्या करें, कैसे करें, तो ये सब बताने के लिए जो है एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है रखा जाता है। क्योंकि आजकल स्कूल में भी हम देखते हैं कि बहुत नई नई टेक्निक्स जो आ गई हैं, तो एक ओरिएंटेशन जो है वो रखा जाता है, ताकि पेरेंट्स, बच्चे जो है वो टीचर्स को भी जो है एक बार ही मिल सके, और जो कुछ उनको सिखाया जाएगा वहां पर जो है बताए सके। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो भी मोदी केयर ज्वाइन करता है वो किस तरह से जो है जल्दी सफलता को पाए, वही सब जो है आज जो है वो बताया जाएगा। और आज हमारे साथ तीन जो है बहुत बड़े लीडर्स हैं जो आपको बताने वाले हैं एक बिग पिक्चर के बारे में, माइंडसेट आपको कैसे करना है और शुरुआत जो है वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ बिग पिक्चर को बताने के लिए पवित्रा मैम को। अब पवित्रा मैम के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं उनकी जब भी स्टोरी सुनती हूँ और वो कितने एंथुजियास्टिक काम जो है वो करती हैं और कितने अच्छी तरह से जो हर चीज को जो है सिस्टमेटिकली करती हैं, तो मेरे को उनको देखकर जो है बहुत कुछ जो है मैं उनसे भी सीखती हूँ। तो वेलकम है पवित्रा मैम आपका, आप आए और बिग पिक्चर से लोगों को अवगत कराएं। थैंक यू सो मच नीलम जी फॉर दैट वंडरफुल एंड वार्म वेलकम। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स। हम सभी इसे गुड मोदी केयर मॉर्निंग कहते हैं क्योंकि मोदी केयर में आने के बाद हर वक्त हर पल जो होता है वो आपका सुबह के जैसे खुशगवार, फ्रेश, तरोताजा और सपनों से भरा पूरा होता है। सो दैट इज वाई इट इज गुड मोदी केयर मॉर्निंग। फ्रेंड्स, नाम आप सभी जानते हैं, पवित्रा वराडकर। प्रोफेशनली एक रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट हूँ, एक लीगल एडवाइजर हूँ। 25 साल मैंने तकरीबन पैथोलॉजी फील्ड में काम किया है, अपना खुद का क्लिनिक 22 साल मैंने रन किया है और मैं इस बात की गवाह हूँ, या एक स्टोरी है आप ये कह सकते हो, कि रेगुलर इनकम चाहे हमारी कितनी भी आ जाए, कितना भी बड़ा हम ग्रो कर जाए, लेकिन जब वक्त खराब आता है, कोई भी आपको अगर हेल्थ इशू आ जाता है और आप अपना काम नहीं कर पाते तो आप शून्य हो जाते हो। तो 22 साल अपना खुद का क्लिनिक रन करने के बाद भी जब मैं बीमार पड़ी, तो 10 साल जब मैं बीमारी के दौर से गुजरी तो मेरी इनकम जीरो हो चुकी थी, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो था और जब ठीक हुई तो जिंदगी जीने के लिए कोई मकसद ढूंढ रही थी कि किस तरीके से जिंदगी जीऊं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीऊं, अपना पैसा खुद कमा के जीऊं, ना कि अपने बेटे पे या अपने पति पे एक बोझ बन के मैं जीना नहीं चाहती थी। ऐसे समय में मोदी केयर मेरी जिंदगी में आया तो मेरी एक चीज समझ में आई कि ये बिजनेस जितना सिंपल दिखता है, जितना सिंपल है, ये उससे कहीं ज्यादा बहुत बड़ा है। इट इज अ लार्जर देन लाइफ बिजनेस। अगर आप ये बिजनेस की बड़ी पिक्चर को समझ जाए ना, ये समझ जाए कि भैया हर रोज मेरे को 2-3 घंटा, 4 घंटा क्यों इस बिजनेस के लिए निकालना चाहिए, ये आपको क्या से क्या दे सकता है, ये इंडस्ट्री क्या है। आज के तारीख में बहुत सारे प्रोफेशनल्स इस इंडस्ट्री को प्रोफेशनल तरीके से देख रहे हैं। मैं अगर बात करूं लीगल मेरे बैकग्राउंड होने के कारण से, मैं इतना आपको बता देती हूँ कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि आज के तारीख में लॉ स्कूल में इट इज वन ऑफ द पेपर। नेटवर्क मार्केटिंग के नियम, कायदे, कानून क्या है, उसका एक सब्जेक्ट इंडस्ट्री ने, और मतलब यूनिवर्सिटीज में एड ऑन हो चुका है।
सो इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज एंड लार्ज बिजनेस, जहां पे आप अपना भविष्य भी बना सकते हो और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इस बिजनेस में सेट कर सकते हैं। चलिए एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ में मैं इस बात को रखना चाहूंगी। सो हियर आई गो। ऑल राइट, सो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं बिग पिक्चर, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0, 2021 से लेके 2025 तक का जो दौर रहा वो कैसा रहा, ये इंडस्ट्री ने क्या किया, ये इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। चलिए हम देखते हैं अपनी जीवन को इस बिजनेस में, हम जोड़ तो रहे हैं, हम जोड़ भी चुके हैं, राइट, लेकिन ये इंडस्ट्री हमको क्या दे सकती है, एक उसका थोड़ा सा भविष्य में हम आज की तारीख में क्या है, कल क्या थे और आने वाले कल में हम क्या बनने जा रहे हैं वो समझते हैं। अगर मैं पूरे विश्व का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो 180 एक्चुअली 18,000 करोड़ डॉलर्स की एक ग्लोबल इंडस्ट्री है। इसको इंडियन रुपीस में करने जाएंगे तो कई लाखों करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी है, और 125 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग आज की तारीख में एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड इस बिजनेस से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर कर रहे हैं और लगातार अपनी लाइफ में सारे सपने पूरे करते जा रहे हैं। आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में 170 से भी ज्यादा देश ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और आज की तारीख में ये सबसे ज्यादा लीगल ऑथराइजेशन कंप्लायंस के साथ में ये इंडस्ट्री पैट कर चुकी है। फ्रेंड्स एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे गवर्नमेंट्स के स्टेक्स ऑलरेडी लग चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये कितना बड़ा भविष्य आपके लिए संजो कर ला रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब चलिए इंडिया का पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि भैया हमारे देश में क्या सिचुएशन है इस समय। 2019 2020 के दौरान अगर हम देखें तो 16,776 करोड़ रुपया का टर्नओवर हमारी इंडस्ट्री सिर्फ हमारे देश में करती थी। एक साल में ये 18,000 करोड़ हुआ, उसके बाद अगले एक साल में ये 19,000 करोड़ हुआ, आने वाले समय में 2025 में करीबन 65,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाली ये एक भारतीय इंडस्ट्री बनती चली जा रही है। एक रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है क्योंकि हाईएस्ट सबसे ज्यादा तेजी से जो पीक पे बिजनेस चढ़ा वो लॉकडाउन के दौरान चढ़ा, और उसके बाद इसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर मोदी केयर की बात करें फ्रेंड्स तो 1,800 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर करने वाली हम कंपनी है, 55 लाख से भी ज्यादा डायरेक्ट सेलर आज हमारे साथ हमारे देश में भारत में जुड़े हुए हैं, 10,000 से भी ज्यादा नए लोग अपना भविष्य चुनने के लिए इस बिजनेस में हमारे साथ मोदी केयर के परिवार में जुड़ रहे हैं, 5,000 से भी ज्यादा शहरों में हम मौजूद हैं, 5 लाख स्क्वायर फीट से बड़े बड़े वेयर हाउसेस और ऑफिसेस हमारे हैं, 17,000 पिन कोड से ज्यादा जगह पे हमारी सर्विसेज जाती हैं, 15,000 से भी ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं। अनबिलीवेबल पे आउट है फ्रेंड, जितना भी वॉल्यूम आप अपना बिजनेस का जमा करोगे, मंथली वॉल्यूम जितना भी आपका आएगा उसका तकरीबन 72% बीवी जो का जो पैसा है वो पूरी की पूरी टीम में बंट जाता है। 72% इज अ वेरी बिग मनी, राइट फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक सही माइंडसेट के साथ में आप ये बिजनेस में लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पर रेस्ट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच टू लिसन मी, और मैं फिर से हमारी आज की होस्ट को बुलाना चाहूंगी, नीलम मैम। थैंक यू पवित्रा मैम, आपने इतनी बढ़िया से जो है वो इस चीज को समझाया है। तो अब मैं मतलब ये समझ सकती हूँ कि जो लोग जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है उनको कोई डर की बात नहीं, क्योंकि ये लीगली प्रूव है आज। और भविष्य में जो है जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग है ये बहुत जो है वो कामयाब जो है वो होने ही वाली। तो ये तो थी फ्रेंड्स बिग पिक्चर। और अब हमारा क्योंकि माइंड हमने बना लिया कि ठीक है हम जो है इसको ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा माइंड जो इधर उधर भटक जाता है। तो कैसे आप अपना माइंड सेट करें इसको बताने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे ग्रेट लीडर जीआरडीबी एंड जोशी सर को, यस जैकब जोशी सर, सॉरी। yes.
थैंक यू नीलम जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया, और पवित्रा जी ने आप बहुत सही तरीके से कहा कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस कि जहां आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन वो सपने पूरे करने के लिए क्या आप तैयार हो? तो अगर आप तैयार है तो मैं मेरा थोड़ा सा परिचय आपको देता हूँ। मेरा नाम वैभव जोशी है, बाय प्रोफेशन मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, एमबीए फाइनेंस, और बहुत सारी डिग्रियां मैंने ली है, लेकिन सपने कैसे पूरे होते हैं ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं, पैसे देके भी नहीं सिखाया था एमबीए करने के बाद। लेकिन मैं ऐसी एक अपॉर्चुनिटी को देख रहा था कि जिसमें मुझे मेरा टाइम यानी मेरा वक्त मुझे फ्री मिले और मुझे पैसे की भी कुछ कमी ना हो। तो टाइम एंड मनी के फ्रीडम के लिए मैंने इस बिजनेस को नाना करते पहले इस बिजनेस को देखा और समझा, क्योंकि मेरी वाइफ शलाका वैभव जोशी ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन तभी मेरा माइंडसेट नहीं था कि इस बिजनेस को करने का। और बाद में जैसे जैसे आप इस इवेंट में आए हो, आज जितने भी नए लीडर्स इस इवेंट में आए हैं तो उनके भी माइंड में क्या चलता होगा ये मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी माइंड में ऐसे ही आया था कि क्या ये बिजनेस सही तरीके से, या क्या ये बिजनेस मुझे वो सक्सेस दिलाएगा जो मुझे चाहना मीन्स मैं चाहता हूँ। लेकिन मेरे अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, धीमन सपाड़िया एंड रश्मि कपाड़िया जी ने मुझे एक ही बात कही कि आपको आपका माइंडसेट करना है। और उस माइंडसेट के बाद जब भी मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़के कभी देखा नहीं। 3 डिजिट की इनकम कब 6 डिजिट तक गई, और मेरी टीम में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आए और उनके लाइफ में परिवर्तन लाते लाते मैं हाईएस्ट पोजिशन पे ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर के पोजिशन में कब पहुंचा ये मुझे समझा भी नहीं, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया था इस बिजनेस को करने का। तो कितने लोग यहाँ रेडी है कि इस बिजनेस को करने के लिए और अपने अपने टीम्स में उसको फॉलो करने के लिए? मैं नए लोगों को चैट बॉक्स में और हैंड रेस करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आप आगे जाओगे। यस, पवित्रा जी ने बहुत सही कहा कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, पूरे विश्व में ये बिजनेस फैला है। तो क्या आप वो चांद पे जाना चाहते हो? क्या आपको एक ऐसा रॉकेट चाहिए कि जो आपके सारे सपनों के साथ आपको चांद पर पहुंचाए? तो उसके लिए अगर आपने ड्रीम किया है तो आपका सपना पूरा करने के लिए मोदी केयर ये ऐसा एक व्हीकल है कि जो आपको उस सपनों तक पहुंचाएगा। तो नो अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन टेक यू वेयर यू वॉन्ट टू रीच। कोई ऐसा एक मार्ग नहीं है कि जो आपको सारे के सारे सपने आपके पूरे कर सकता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि मैंने इस माइंडसेट को क्या समझा। तो सबसे पहले है कि क्लैरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर माइंडसेट, यानी कि इस बिजनेस को करने के पहले आपको ये डिसीजन लेना है। जितने भी आपके ऑब्जेक्शंस है वो ऑब्जेक्शंस आपके स्पॉन्सर्स को पूछिए, लेकिन एक बार आपने ठान ली तो आपको इस बिजनेस को क्या क्यों करना है ये एक बार आपके माइंड में क्लियर हो गया तो आपका माइंड दूसरी जगह किधर नहीं जाएगा। तो देखो इस पिक्चर में देखा है कि आप बहुत सोचते हो, यहां हमको क्या सिखाया जाए गया है? सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। तो आपको आपकी सोच पहले बदलनी है और आपको यही डिसाइड करना है कि यही रास्ता है मेरे सपनों को पाने का, ताकि आप इधर उधर किधर भटक ना जाओगे। डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं और डायरेक्ट सेलिंग आज वर्ल्ड में और इंडिया में बहुत फैल चुका है, लेकिन सही चॉइस क्या है? मोदी केयर में आने के बाद आपका ग्रोथ कैसा होगा? ये क्लैरिटी ऑफ माइंड अगर आपको है तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे मेरे बारे में था कि मैं मेरा प्रोफेशन संभालूं कि पार्ट टाइम करूं कि फुल टाइम करूं, लेकिन एक बार मैंने मेरे तीनों अपलाइन के साथ बात करने के बाद मुझे उन्होंने डायरेक्शन दिया और इस बिजनेस को मैं कैसे कर सकता हूं इसकी क्लैरिटी दी। तो आपको भी क्या करना है, आपके जो स्पॉन्सर्स है पर्टिकुलरली जो नए लोग हैं, तो नेचुरली बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आएंगे, तो उस क्लियर माइंडसेट से आपको आगे जाके बढ़ना है। और इस क्लियर माइंडसेट को लेकर आपको दिन में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही चुनने हैं। ऐसे कहा जाता है कि हम जब भी सोचते हैं ना तो हमारे मन में दिन भर में 86,000 विचार आते हैं। तो विचारों का काम है उनको आने दो, उनका काम है आना, लेकिन उसमें क्या चयन करना है, क्या चुनना है, ये आपको सोचना है। तो अगर आप सकारात्मक विचार और सकारात्मक माइंडसेट से इस बिजनेस को करोगे तो क्या होगा, वो आपको ड्राइव करेगा कि आपके सपने क्या है। इसीलिए आपका मोटिवेशन कौन है, किसी और को आके आपको मोटिवेशन सिखाने की जरूरत नहीं है। आपके जो सपने हैं ना, यानी कि रिकग्निशन, आपका फॉरेन ट्रैवल, आपका वो बड़ा सा घर, आपकी वो बहुत बड़ी गाड़ी जिसके बारे में आपने सोचा था, ये सारे के सारे जो आपके सपने हैं ना, उसके लिए आपको पॉजिटिव माइंड से आगे जाना है और वही आपको ड्राइव करेगा। तो आपको पहले फाइंड करना, जितने भी नए कंसल्टेंट्स हैं तो आपको पहले डिसाइड कीजिए कि क्या मुझे 10 लाख की इनकम कमानी है, क्या मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पहले क्या करना है। इसीलिए जो आगे वाले आने वाले
सेशन में हम आपको शुरुआत में भी सिखाएंगे कि उसके स्टेप्स क्या है। तो उसी पॉजिटिव माइंड को लेकर आपको ये देखना है, अगर आप आज देखोगे ना तो आप कर पाओगे। और सोचना, ज्यादा सोचना नहीं है, ये आपने ठान ली है तो आपके सारे के सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि आपके साथ में है आपकी सकारात्मकता। और उसके साथ साथ लर्निंग लर्निंग माइंडसेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस बिजनेस में आने के पहले मेरे पास कॉरपोरेट का बहुत बड़ा अनुभव था, और इतने मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आज भी कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, बहुत सारी सीख मैं सिखाता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे अपलाइन धीमन सर और रश्मि जी ने मुझे ये सिखाया कि भैया आपका जो नॉलेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको उस नॉलेज को बाजू में रखना पड़ेगा, और यहाँ इस बिजनेस को कैसे करते हैं उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो लर्निंग माइंड से अगर आप जो भी वो सिखाते जाएंगे आपके स्पॉन्सर, वो आप करते जाओगे, सीखते जाओगे और लोगों को सिखाते जाओगे और उसी स्टेप्स को रिपीट करते जाओगे, तो आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होगी। हम हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट यू लर्न एंड देन रिमूव एल फ्रॉम लर्न यू विल अर्न। तो आपको सीखने की जो चाहत है ना वो हमेशा रखनी है। आज अभी भी देखिए आप डॉक्टर सुरेखा जी जो 1 करोड़ के ऊपर इनकम कमाती है, धीमन सर रश्मि मैडम जो स्मैक मेंबर्स है, हमारे सारे एस्टीम स्मैक मेंबर्स है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये जो लर्निंग माइंडसेट है वो ही करके अलग अलग तरीके से वो अपने एक्शंस करते हैं और अपने टीम्स में सिखाते हैं, और इसीलिए आज वो अर्निंग करते हैं। तो इसीलिए नए लोगों को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको लर्निंग माइंडसेट से इस बिजनेस को करना है, क्योंकि इस बिजनेस को करने वालों ने वो कर चुके हैं, आपको उसको उनको सिर्फ डुप्लीकेट करना है, कॉपीकैट करना है। तो लर्निंग माइंडसेट के आगे बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा माइंड है ना वो आज की दुनिया में ही बेहतर रहता है, फ्यूचरिस्टिक माइंड होना चाहिए। हम होंगे कामयाब, ये गाना बहुत अच्छा है, लेकिन हमको आज ही कामयाब बनना है, फ्यूचर को देखना है कि वो एक दिन नहीं चाहिए, मैं आज सक्सेसफुल हूँ, मोदी केयर मैंने आज चुना है, तो मैं इसके जो सारे के सारे जो 72% का पे आउट जो पवित्रा जी ने अभी बताया वो मैं लेने वाला ही हूँ। और ये फ्यूचरिस्टिक माइंड से हमको देखना है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसका ग्रोथ भी हमने देखा बिग माइंडसेट के प्रेजेंटेशन में, और खुद के लिए। तो मेरे लिए क्या है, 72% का पे आउट तो मोदी केयर देने ही वाली है, लेकिन आप कितना लेने वाले हो? ऐसे फ्यूचर के लिए, ये फ्यूचर और इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अनंतता में जी रहा हूँ, आई एम इन अबंडेंस, मेरे पास लोगों की, रिश्तों की, एक्शंस की कमी नहीं है। ये फ्यूचरिस्टिक माइंड से लेकर आपको आगे बढ़ना है तो ही आप एक्शन में आओगे। देखो अगर आपने लर्निंग एटीट्यूड रखा, पॉजिटिव माइंडसेट रखा, और आपने अगर पहला क्लेरिटी ऑफ माइंडसेट रखा, तो आपको कहाँ जाना है ये बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। अभी देखो ये जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक वेटलिफ्टर है, ये ही इज हैविंग परफेक्ट बॉडी, और वो अकेला काम करके बहुत सारा वजन उठा रहा है। और बाजू के पिक्चर में आपने क्या देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी कैपेसिटी बिल्ड करके, इस बिजनेस में आपको कैपेसिटी बिल्ड करना है, खुद की कैपेसिटी जब भी आप बिल्ड करते जाओगे तो आप लोगों की भी कैपेसिटी बिल्ड करोगे, और वैसे एक्शंस आपको सूझेंगे। यानी कि अच्छा ड्रीम पिक्चर लेके उसको बंद नहीं करना है, यानी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें अपने सपनों को एक्शन में लेना है, और वो भी एक्शन स्ट्रक्चर्ड एक्शन। सुरेखा जी ने जो एक वर्ड बोला है ना, मैंने पूरा उसको स्क्रू ड्राइवर से उसको फिट किया है। एक्शंस कैसे होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड, यहाँ वहां जाने वाले, आज करूंगा कल नहीं करूंगा, परसों करूंगा आज मूड नहीं है, तो ऐसे करके एक्शंस नहीं करने। तो इसीलिए आपको, क्योंकि जो एक्शंस आप करोगे आप लोगों को हेल्प करके कर पाओगे कि आप लोगों को कैसे सक्सेसफुल बनाए। और इस बिजनेस, ये बिजनेस अगर होता नहीं है तो क्यों नहीं होता है, बिकॉज आपका स्ट्रक्चर्ड एक्शन का माइंडसेट नहीं है। जितने भी पुराने कंसल्टेंट है आप जरा सोच के देखिए, आपका सक्सेस थोड़ा मिस हो गया, क्यों? क्योंकि वो एक्शन स्ट्रक्चर्ड नहीं थी। और इसके लिए आपको करना पड़ता है फॉलो द सिस्टम, डोंट यूज यूअर ब्रेन, आपको खुद का दिमाग नहीं यूज करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये जो इंडस्ट्री 80 साल से चल रही है तो उसमें एक स्टेप है, वो स्टेप्स को ही फॉलो करना है। यानी कि पहले खुद यूज करो, हमारे 750 प्रोडक्ट है उनको यूज करो, उसको शेयर कैसे करते हैं उसके तरीकों सीखो, और फिर जिनको आपने शेयर किया उनको स्पॉन्सर करके उनकी जिंदगी आप कैसे बना सकते हो उसको सीखो, और उनको जिंदगी भर सपोर्ट करो, क्योंकि ये बिजनेस है, ये लोगों को सपने पूरा करने का बिजनेस है। यू आर अ कंसल्टेंट, आपको इस बिजनेस को कंसल्ट करने का राइट मिलता है जब आपने ज्वाइन किया है। और ये करने के बाद जो हमारे जो 5 गोल्डन
कॉइन्स है। तो देखो, अगर आपको 72% पैसे चाहिए तो अगर आप सेल्फ यूज करोगे तो आपको 10% मिलेगा, उसके आगे जाओगे शेयर करोगे तो आपको और कुछ परसेंटेज मिलेंगे। ऐसे करते करते ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो किए तो आपको 72% का पे आउट पूरा मिलेगा। जो लोग यहाँ नए पुराने हैं तो देखिए आप क्या मिसिंग है वो आप देखिए और उतनी जो मिसिंग पॉइंट्स को एक्शन में उतारिए। और 4S, ये जो गोल्डन रूल्स मोदी कर के है, ये मैंने भी किए। पहले मैं सेल्फ यूज किया, शेयर किया, स्पॉन्सर किया, सपोर्ट किया और मेरी टीम में इसका डुप्लीकेशन किया, तो आज मैं सक्सेसफुल हूँ और GRDD करके हाईएस्ट पोजीशन पे हूँ। मेरी बेटी का एजुकेशन, जो कनाडा में रहती है, 35 लाख का जो उसका खर्चा है मैंने मोदी कर के इनकम से किया और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में मैं सक्सेस दिला रहा हूँ। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मोदी केयर फैमिली एंड आई विश एवरी वन हियर टू हैव अ ह्यूज सक्सेस एंड हैप्पीनेस, क्योंकि यहाँ हम ना खुशियां भी बांटते हैं और इस बिजनेस को करने में जो खुशी है उसकी जर्नी बहुत अच्छी है, तो उसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। और आई एम गिविंग द स्क्रीन टू आवर मास्टर ऑफ सेरेमनी नीलम जी। नीलम जी, ओवर टू यू। थैंक यू वैभव सर। और बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि हमें अपना माइंड जो है वो हमेशा पॉजिटिव जो है रखना चाहिए। अगर हमारे सकारात्मक विचार रहेंगे तो हम हमेशा आगे जो है बढ़ते रहेंगे। प्लस दूसरी चीज जो आपने बताई सर कि मिलकर जो है वो काम करना है। एक गाना भी है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला तक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो आपको काम जो है अगर आगे बढ़ना है तो मिलजुल कर जो है उस काम को करना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बिग पिक्चर और हमारा जो माइंड सेट है, अगर ये हो जाए ठीक से तो हम आगे सफलता को जो है वो पा सकते हैं। अब हमने ये कर लिया, काम भी कर लिया, ज्वाइन भी कर लिया, तो अब हमें आगे किस तरह से उसको करना है। तो शुरुआत जो है उसके 10 कदम है, उनको आप अगर उसी तरह से आप उसको करेंगे तब आप अपने बिजनेस में सफलता को जो है वो पा सकते हैं। और उसको बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ करुणा मलिक मैम को, जो कि हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताने वाली हैं कि आप अपना सफलता पाने के लिए किस तरह से शुरुआत के 10 कदम को अपनाएं। सो ओवर टू यू करुणा मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छे से आपने होस्टिंग का रोल किया और बहुत अच्छे से कर रही हो अभी। तो दोस्तों, नाम करुणा मलिक है और बिजनेस में आने से पहले की अगर बात बताऊं तो एक सिंपल हाउसवाइफ थी, लेकिन ड्रीम बड़े थे तो एक जॉब करना स्टार्ट किया और जॉब में सिर्फ एक चीज समझ में आई 4 साल करने के बाद कि भाई यहाँ पे टाइम की जो टाइम था मेरे पास वो टाइम भी गया। और दूसरा, जो मेरे को बिजनेस करने का जो 2 रीजन थे, मेन ड्रीम तो थे ही बड़े बड़े, लॉकडाउन में समझ में आया कि जॉब जब बंद हो गई थी तो सैलरी भी बंद हो गई थी। तो 2 रीजन बहुत बड़े थे कि टाइम यहाँ से फ्री करना है, बिल्कुल मन चाहे टाइम से काम करना है। दूसरा कि पैसिव इनकम होनी चाहिए, कि हम काम करें ना करें पैसा आना चाहिए। तो 2 रीजन तो बहुत बड़े थे मेरे पास, लेकिन ड्रीम भी बहुत बड़े बड़े थे। तो दोस्तों, बिजनेस समझ में आया जब बताया मेरे अपलाइन, मेरे भाई ग्रेट अपलाइन का मैं थैंक यू करती हूँ, और उन्होंने बताया इसके बारे में, बहुत अच्छे से समझ में आया, करना स्टार्ट किया, सीखा, करना स्टार्ट किया। आज अचीवमेंट की अगर बताऊं बात तो यहाँ पे 5 फिगर की इनकम को एंजॉय कर रही हूँ। लेवल मेरा SED लेवल है और एक गाड़ी बहुत जल्दी लेने वाली हूँ। 2 ट्रिप यहाँ से पहले अचीव कर चुकी हूँ और एक अभी श्रीलंका का चल रहा है टीम के साथ। ये शुरुआत हुई मेरी जब बिजनेस मैंने शुरू किया और सीखा, वही छोटे छोटे स्टेप हमने लेने हैं यहाँ पे, जो कि आज बड़े से बड़े लीडर को भी देखते हैं तो वो भी सेम छोटे छोटे स्टेप लेके ही आगे बढ़ते हैं। लाखों करोड़ों की इनकम जो अर्न करते हैं वो यही छोटे छोटे स्टेप लेकर के आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वही मैं आपको बताऊंगी जो आज पार्ट मेरे को मिला है आपको बताने के लिए, कि इसमें एक शुरुआत है, शुरुआत हमें करनी है, 10 कदम हमें लेने हैं। वो जब हम लेना स्टार्ट करते हैं तो आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद हमारे 10 कदम होते हैं, 10 स्टेप होते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए ताकि आपको आगे बढ़ने में बहुत आसानी रहे। तो ये 10 स्टेप बहुत जरूरी होते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं, किसी आप अपने रिश्तेदार को, किसी को भी अगर कॉन्टेक्ट कर रहे हो, फोन नंबर आपने डायल किया, 10 नंबर का हमारा मोबाइल नंबर रहता है, वहां पे आपने एक नंबर मिस्टेक कर दिया, एक नंबर की जगह आपने कुछ और डायल कर दिया, सोचो क्या उनके पास सही नंबर जाके लगेगा जिनसे बात करना चाहते हो पाएंगी?
बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों जो 10 स्टेप मैं आपको बताऊंगी वो 10 स्टेप इतने ही जरूरी हैं जितना एक फोन लगाने के लिए 10 नंबर जरूरी होते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा जो है वो है स्टेप स्पोर्ट चार्ट। तो दोस्तों स्पोर्ट चार्ट हर किसी के पास होना चाहिए। सबसे पहले इसमें बात करें तो हमारे पास पहला स्पोर्ट चार्ट होना चाहिए अप्लायंस का। अप्लायंस में आपको किसी ने प्लान दिखाया है, वो आपके अप्लाइन है, वो 7% पे है, 10 पे है, 13 पे है, जो भी उनका लेवल है वो आपके अप्लाइन है। और फिर उनसे ऊपर जो डायरेक्टर है उनका आपके पास नंबर होना चाहिए। फिर जो उनके ऊपर है उनका भी नंबर होना चाहिए। फिर जो उनके ऊपर है यानी कि 4-5 लेवल तक आपके पास उन सब के नंबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं, कहीं पे भी आपको बिजनेस में या फिर कोई चीज समझ में नहीं आ रही या फिर किसी को बताने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी का कोई ऐसा डाउट है, क्वेश्चन है, आपसे क्लियर नहीं हो रहा, तो आप अपने अपलाइन को कॉल कर सकते हो। लेकिन किसी भी रीजन से हो सकता है कि आपके अपलाइन जो है वो कहीं बिजी है प्लान दिखाने में, कहीं और बिजी है, उनका फोन नहीं लग रहा, तो उस सिचुएशन में आपको कॉल करना है उनसे ऊपर। तो इसलिए हमारे पास 4-5 लेवल तक जो है नंबर होने चाहिए ताकि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारे वो बहुत काम आते हैं। दूसरा स्पोर्ट चार्ट हमारे पास कंपनी का होना चाहिए। कंपनी का स्पोर्ट चार्ट यानी कि आजादी कॉल सेंटर, हमारे जो मोदी के लाइफ स्टाइल सेंटर है, MSC है, उन सब का हमारे पास नंबर होना चाहिए। और क्योंकि इनका क्यों होना चाहिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन डाउट हमारे होते हैं जो हम वहीं पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रोडक्ट को लेके कोई डाउट है, हमारा ऑर्डर हमने डाला ऑनलाइन वो नहीं आया अभी तक, वो लेट हो रहा है, या फिर कोई भी इस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो तो बिजनेस में आपको कितने जैसे आपके अकाउंट में पैसा आता है उसको लेके कोई आपका डाउट है, तो आप ये सारे डाउट वहां पे क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे करके आपके पास जो कंपनी का स्पोर्ट चार्ट है वो भी होना चाहिए। तो ये दोनों स्पोर्ट चार्ट आपको रेडी करने हैं सबसे पहले ज्वाइनिंग करते ही। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आपको लेना है वो है गोल सेटिंग। अब दोस्तों जब हम परिवर्तन देखते हैं, सबसे पहले प्लान देखते हैं, तो हम उसमें हमारे ड्रीम जगाए जाते हैं। ड्रीम तो हर किसी के होते हैं, लेकिन कई बार हम जिम्मेदारियों के साथ साथ चलते चलते क्या होता है, हमारे ड्रीम सो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कहीं ना कहीं दब जाते हैं। अब जो ड्रीम होते हैं वो जगा तो दिए, लेकिन वो पूरे कैसे होंगे जब आप उनको गोल्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो हमें गोल सेटिंग करनी है। अब सोचो आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आपके कुछ ड्रीम है क्या? अगर ड्रीम है तो वो पूरे कैसे होंगे? सबसे पहले तो बिजनेस में इसलिए आए कि हमारे ड्रीम पूरे हो जाए। अब आपको एक राउंड, एक गोल गोल दिख रहा है बीच में माई इनकम जहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमारी जो इनकम है वो उस गोल धारे के अंदर है, यानी कि छोटी सी इनकम। जो ड्रीम है वो बड़े बड़े होते हैं, आपको बाहर की साइड दिख रहे होंगे, यहाँ पे विदेशों की यात्रा, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना, मान सम्मान, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, बड़ा घर लेना, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ड्रीम। लेकिन जो हमारी इनकम होती है उसको रहते उसको लेते लेते क्या हम ये सारे ड्रीम पूरे कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सोच ही नहीं सकते। जहाँ पे हमारा सिर्फ घर का ही खर्चा पूरा हो रहा है तो ड्रीम के बारे में कब सोचेंगे हम? तो दोस्तों ड्रीम तो हमने मोदी केयर के अंदर आके देख लिए, हमारे जगा दिए, बहुत बड़े बड़े ड्रीम है, लेकिन इनको पूरा जब कर पाएंगे, जब हम इनको गोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो गोल्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको करना क्या है, गोल सेटिंग करनी है। गोल सेटिंग कैसे होगी? आपको जो अपने ड्रीम है वो स्मार्ट टाइप के बनाने हैं, स्मार्ट टाइप के ड्रीम बनाने हैं आप, और इनको तीन उनमें बांट दोगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। जो सबसे छोटे ड्रीम है वो आप सबसे पहले लिखो, जो 6 मंथ तक आप पूरे कर सकते हो। फिर मिड टर्म बीच वाले ड्रीम जो होते हैं 2 या 3 साल तक जो पूरे करने होते हैं। फिर लॉन्ग टर्म के ड्रीम, घर बनाना है, कहीं प्रॉपर्टी लेनी है, बड़ी बड़ी कारें लेनी है, तो ये ड्रीम आपके लॉन्ग टर्म के होते हैं। वो आप 5 साल या 5 साल से ज्यादा के ड्रीम जो होते हैं वो आप लॉन्ग टर्म में इनको लिखें। अब जो ड्रीम होते हैं हमारे वो कैसे होने चाहिए? जो स्मार्ट टाइप के होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। देखो जो भी हम देख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई हाँ मेरे को ऐसा नहीं है कि गाड़ी लेनी है, लेकिन कौन सी लेनी है वो क्लियर ही नहीं है अभी।
तो वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है, कौन सा ड्रीम, क्या गाड़ी लेनी है, घड़ी लेनी है, जूते लेने हैं, घर लेना है, जो भी लेना है आपका क्लियर होना चाहिए। और ऐसा ड्रीम होना चाहिए जिसको हम नाप तोल सके। ऐसा नहीं है कि गाड़ी लेनी है तो आपको कितने की चाहिए, 6 लाख की, 10 की, 15 की, 20 की, कोई आपने अमाउंट ही नहीं डाला हो। तो वो क्लियर होना चाहिए, ताकि क्लियर अमाउंट होगा तभी हम सोचेंगे ना कितने कितने टाइम में उस ड्रीम को डाल सकते हैं, मिड टर्म में डालें या लॉन्ग टर्म में डालें। तो जितना अमाउंट होगा उतने ही पैसों से तो गाड़ी लेंगे ना, हमारे अकाउंट में जितना आएगा, तो वो मेजरेबल आपका होना चाहिए। और जो भी ड्रीम आप देखें उसके ऊपर एक्शन किया जा सके, ऐसा ड्रीम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि आज ज्वाइन किया है या 10 दिन पहले ज्वाइन किया, आप सोच लो कि मेरे को तो आते ही गाड़ी चाहिए या घर चाहिए, तो क्या इसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं? देखो ड्रीम पूरे हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सोचो कि इतने कम टाइम में इनके ऊपर आप एक्शन कर सकते हो, इतना काम कर सकते हो कि आपका ये ड्रीम पूरा हो जाए। क्या आपका 10 दिन के अंदर इनकम आ जाएगी? नहीं आएगी। तो इसके ऊपर धीरे धीरे एक्शन लेना होता है, काम करना होता है, उसके बाद ही हम अपने ड्रीम पूरे कर पाते हैं। और एक बात ये भी है, आपका जो ड्रीम है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को चांद पे घर बनाना है, कुछ इस तरह का ड्रीम देख लो और वो कभी पूरा ही ना हो सकता हो। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड के अंदर हमें हर एक ड्रीम को बांध देना है। आप जो भी ड्रीम लिखें, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में, उसके ऊपर आपका टाइम होना चाहिए कि आपको कितनी तारीख को, कौन से महीने में, कौन से साल में आपको वो ड्रीम पूरा करना है। तो ये सारी आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, तो आपकी गोल सेटिंग हो जाएगी और आपके ड्रीम बहुत जल्दी जल्दी पूरा होना स्टार्ट हो जाएंगे। मेमोरी जोगर, तीसरा स्टेप हमारा है मेमोरी जोगर। तो दोस्तों अब जो हमारा बिजनेस है, इसका पहला प्रोडक्ट है जो हमारा बैकबोन है हमारे बिजनेस का, दूसरा रॉ मटेरियल लोग हैं। तो लोगों से बात करना, लोगों को शेयर करना, लोगों से ये अपॉर्चुनिटी बताना, तो वो हमारा क्या है, रॉ मटेरियल। अब घर बनाते टाइम किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनमें से दो या तीन चीज भी नहीं है तो क्या घर बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहली चीज हमारे लोग हैं, तो उनकी लिस्ट बनानी जरूरी है। लिस्ट कैसे बनाएंगे? आपको फ्रेंड्स टाइप से अपनी लिस्ट बनानी है। और इसकी एक मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, जब भी आप अपनी लिस्ट बनाएं तो पूरी फैमिली को बिठा करके बनाएं, क्योंकि कई बार होता है हमारे जानने वाले अलग होते हैं, हमारी मम्मी के जानने वाले अलग होते हैं, हस्बैंड के जानने वाले अलग होते हैं। तो सबसे पूछ पूछ के लिस्ट बनाएं, ताकि आपकी लिस्ट जो है बहुत लंबी बन सके। जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना ज्यादा काम कर पाओगे, उतने ज्यादा ड्रीम पूरे कर पाओगे। अब फ्रेंड्स में सबसे पहले आता है हमारा फ्रेंड्स। तो हमारे फ्रेंड्स में जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, स्कूल के, कॉलेज के, जितने भी हैं, उनके नंबर यहाँ पे लिखे। उसके बाद रिलेटिव, जो हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनके नंबर भी यहाँ पे लिखे। उसके बाद इंडस्ट्री, जो भी हमारे ऑफिस में, हम हमारे जहाँ भी हम काम करते हैं वहां पे जितने लोग होते हैं जानने वाले, तो उनके नंबर भी लिखें। उसके बाद ई कॉन्टेक्ट, जो भी FB पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी आपको, जैसे सोशल मीडिया में आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनके भी यहाँ पे नाम और नंबर लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, नंबर उनसे ले सकते हैं, धीरे धीरे बॉन्डिंग बना के। नेबर्स हमारे, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, कई बार रेंट पे रहते हैं कुछ लोग, तो उनके नेबर्स चेंज होते रहते हैं, तो उनके भी आप नंबर यहाँ पे लिखें। हमारे पास अभी तो खैर डायरेक्टरी बहुत कम लोग यूज करते हैं, हमारे फोन में ही बहुत सारे नंबर होते हैं, तो वो नंबर भी आपकी डायरी के अंदर होने चाहिए सबके। स्ट्रेंजर, अब हम कहीं पे बाहर जाते हैं, कई बार मार्केट में गए, कई बार मेट्रो में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास में होते हैं। सुरेखा मैम बोलती है, हमारे 1 फीट के दायरे में जितने लोग होते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं। तो वही करना है, जितने भी हमारे आसपास में है, स्माइल पास करो, धीरे धीरे बात करना शुरू करो, किसी किसी भी रीजन से उनसे बात करो और उनका नंबर आप ले सकते हो। धीरे धीरे बॉन्डिंग बनाओ, फिर काम की बातें भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि शुरुआत में ही बता दो बिजनेस, ऐसे कोई नहीं समझेगा। मेमोरी जोगर में फिर हमारा फॉर्मेट कैसे बनाना है। फॉर्मेट में जब भी आप किसी का नाम लिखते हो तो सबसे पहले नंबर डालो, उसके बाद नाम लिखो, फिर फोन नंबर लिखो, फिर प्रोफेशन, वो क्या करते हैं, क्योंकि हम जिससे बात करते हैं सबसे पहले वही चेक करते हैं ना कि वो क्या कर रहे हैं। डॉक्टर है, टीचर है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, तो उनसे उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि उनका क्या प्रोफेशनल है। ठीक है, अब हम जब लोगों से बात करना स्टार्ट करते हैं तो आपको कॉलम बना लेने हैं। जब नंबर लिखोगे तो कॉलम बना लेने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, मीटिंग के ये कॉलम बना लेने हैं
क्योंकि कई बार होता है हम किसी को जैसे दिन भर कॉल करने बैठते हैं, दिन में आपने अगर ये ठान लिया 10 कॉल करनी है और 10 कॉल की आपने, अगर आपने ये चीज नहीं बनाई, ये फॉर्मेट नहीं बनाया, तो 10 कॉल करने के बाद आपको समझ नहीं आएगा पहली और दूसरी कॉल वाले ने आपको जवाब क्या दिया था। तो इसलिए जरूरी है कि मीटिंग जो है, मीटिंग वन में लिखें कि आपने पहली कॉल की, उस बंदे ने आपको जवाब क्या दिया, मिलने का टाइम क्या दिया। कई बार होता है लोग बोलते हैं कि आज तो मेरा बेटा बीमार है, नहीं मिल सकते, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट डे तो नहीं बोल सकते। अब आप उनको 1 हफ्ते में, 10 दिन में फोन करो और पूछो कि हाँ जी आपके बेटे का क्या हाल चाल है, अभी ठीक है। उनको भी समझ में रहेगी ये चीज कि भाई इनको तो हमारी फिक्र भी है, ठीक है। सिर्फ बिजनेस बिजनेस के पीछे नहीं रहना, हमें थोड़ा सा लोगों के साथ बॉन्डिंग भी रखनी है। तो इस तरीके से आप करोगे तो लोगों के साथ बॉन्डिंग भी रहेगी, हमें पता भी रहेगा कि हमें कॉल की तो किससे क्या बात की थी। उसके बाद स्टेप 4 है हमारा सेल्फ यूज। सेल्फ यूज में क्या होता है कि हमें सबसे पहले जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको यूज करना है, ठीक है। प्रोडक्ट जो है उनका एक्सपीरियंस खुद लेना है और उसके बाद वो दूसरे लोगों को बता सकते हैं। अब एक एक्सपीरियंस मैं अपना बताती हूँ, मान लो कि आज मैं किसी को अगर प्रोडक्ट बताती हूँ तो कैसे बताती हूँ, खुद मैं यूज कर रही हूँ, अगर मैं खुद यूज नहीं करती तो क्या अच्छे तरीके से बता पाती, बिल्कुल भी नहीं। तो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हम तभी कर पाते हैं जब हम उनको खुद यूज कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एक प्रोडक्ट मैंने यूज किया, जैसे मेरे दांतों में ठंडा गर्म लगता था, मैंने जब मोदी केयर का पेस्ट यूज करना शुरू किया, आज तक मैं गारंटी से बोल रही हूँ 4.5 साल में दांतों के डॉक्टर के नहीं गई। और पहले ऐसा होता था कि रात रात भर मेरे दांतों में चीज लगती थी, डॉक्टरों से भी कुछ हो नहीं पा रहा था, मतलब कोई दवाई कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अब मैं लोगों को बता देती हूँ हमारी पेस्ट ठंडा गर्म लगता है, बहुत आसानी से उसको ठीक कर देती है। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो जाती है जब आप उसको खुद यूज करते हो। लेकिन आपने खुद यूज नहीं किया और लोगों को बताना शुरू करते हो तो वहां पे लोग आपको कुछ भी बोल देंगे उसके बारे में, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, आप सुन के बैठ जाओगे, आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए हम पैसे भी बचा सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा शेयर। तो शेयर कैसे करना है आपको बिजनेस प्लान, सबसे पहले आपको मिलने का टाइम सेट करना है। मिलने के लिए कैसे टाइम सेट करना है, या तो आप फोन का यूज कर सकते हो या थ्री वे कॉलिंग भी कर सकते हो। जैसे हम खुद हैं, हमारे अपलाइन हैं और हम जिससे बात कर, जैसे जिसको बिजनेस दिखाना है उनसे बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम जब आए हैं नए नए इस बिजनेस में, हर कोई देखो हर फील्ड में अपनी फील्ड में माहिर होता है, लेकिन ये जो फील्ड है इसमें आने के बाद हम ऐसे होते हैं जैसे छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, वैसे ही। तो ऐसे ही अपने अपलाइन की उंगली पकड़ के चलना सीखें, धीरे धीरे आप भी माहिर हो जाओगे। तो ऐसे करके आपको अपलाइन की सहायता लेनी है किसी को इनवाइट करने में, और उसके बाद काम स्टार्ट करना है। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, 1-to-1 में कर सकते हैं, होम मीटिंग में कर सकते हैं, परिवर्तन में इन्वाइट कर सकते हो आप किसी को, फॉलो अप लेना है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। क्योंकि कोई भी मूवी भी देखते हैं हम, तो क्या है होता है कि मूवी देखते ही घर वालों को, अड़ोसी पड़ोसी को, फ्रेंड्स को बताते हैं ना, ये हुआ वो हुआ, 2 दिन तक बताते हैं, लेकिन तीसरे दिन दिमाग से सब गायब, क्योंकि और चीजें आती रहती है दिमाग में। तो उसके बाद हमें एक फार्मूला अपनाना है 5 गोल्डन कॉइंस का, कि आपको दिन में कम से कम 5 प्लान तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। उसके बाद आता है स्टेप 6, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कैसे करना है आपको, सबसे पहला स्टेप आपको उनका केवाईसी कंप्लीट करवाना है, आधार कार्ड से या वोट कार्ड से जो भी रहेगा उसका केवाईसी आपको चेक करना है, हुआ है नहीं हुआ, रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। और आधार कार्ड से अगर उनका फोन नंबर लिंक है उससे करवाते तो बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद NEFT करवाना है, क्योंकि NEFT जरूरी है बैंक में, जो हमारा पैसा आता है कैशबैक वो बैंक में ही आता है, उनका बैंक का अगर नहीं लगा, NEFT नहीं हुई तो पैसा कहाँ जाएगा। पैन डिटेल डालनी जरूरी है, क्योंकि अगर पैन डिटेल नहीं डालोगे तो वहां पे टैक्स बहुत ज्यादा कट जाता है, तो इसलिए पैन डिटेल सबकी डलवानी बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑर्डर, जब भी फर्स्ट ऑर्डर लगवाएं तो उनको सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दें और बताएं कि हमारा एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलता है, आप अगर ऐसे लेते हो तो 6 महीने लेने के बाद 7वें महीने, 12 महीने लेने के बाद 13वें महीने 2 बार आपको फ्री मिलता है। लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में अच्छे से समझाएं और आपको उनको इन्वाइट करना है शुरुआत के प्रोग्राम में, और सपोर्ट करना है बहुत अच्छे से उनको। उसके बाद हम स्टेप 7 के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर। तो दोस्तों स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, लोगों को बता दिया, प्लान बता दिया, अब उनको जब हम अपने नीचे लगाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, तो कैसे करवाने, वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, आपका जो विड्थ और डेप्थ है वो बराबर चलना चाहिए अच्छे से,
ताकि एक टीम वर्क जब हम करना स्टार्ट करें तो हमें जो इनकम है वो हाई आना स्टार्ट हो जाए। तो हमारा स्ट्रक्चर अच्छे से होना चाहिए, बैलेंस। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हम पहला स्टेप लेते हैं, तो पहले ही महीने हम खुद सोपीवी की शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। और सोपीवी की शॉपिंग जब हो जाती है तो हमें जो बेनिफिट होता है वो पहले ही मंथ हमारा कितना होता है, 1769 का। तो ये इसमें कई सारे बेनिफिट है, एपीबी बोनस है, रिटेल मार्जिन हमारा हो जाता है, न्यू ज्वाइनिंग ऑफर जो होता है वो मिल जाता है। तो टोटल हमें बेनिफिट यहाँ पे ज्यादा ही हो जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर जो है हमारा कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हमने चार अपने नीचे लगाए, चार के नीचे चार चार लगाते चले गए। तो जो है अगले ही महीने आप देखोगे अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपके 500 PV 1 लाख से होना स्टार्ट हो जाते हैं। 500 500 PV होते हैं तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बनता है और एक अच्छी इनकम आपको आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारा स्टेप 8 है, बी ए रोल मॉडल। तो दोस्तों रोल मॉडल बनना है इसका, लीड बाई एग्जाम्पल। हमें 100% सेल्फ यूजर बनना है। हम एक उदाहरण है छोटा सा, मान लो एक ताज होटल का मालिक अगर किसी और होटल में जाके खाना खाएगा तो लोग उसको क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे इसका दिमाग खराब है, या बोलेंगे इसका खाने का टेस्ट बेकार होगा, है ना। वैसे ही हम अगर अपना मोदी केयर को बिजनेस मानते हैं, अपना खुद का मानो कि हमने यहाँ पे करोड़ों लगाए हैं और हमारा खुद का बिजनेस है, तो आपके बाथरूम से लेकर किचन तक एक एक चीज मोदी केयर की होनी चाहिए। 100% सेल्फ यूजर बनना है। कोई भी चीज मोदी केयर में है तो मार्केट की कभी भी यूज ना करें, क्योंकि वही चीज होती है जहां से आपका बिजनेस बढ़ता है। और प्लान दिखाना है डेली, डेमो किट आपको रेडी करनी है, होम मीटिंग करनी है, और इसका कोच बन जाना है, मेंटर बन जाना है। पावर ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। कभी भी जैसे प्लान दिखाने जाते हो, सबसे पहले रेडी होके आप मिरर के सामने खड़े होके देखो कि हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की बात करेंगे वहां पे उस लायक हम हैं या नहीं है। एक बार अपने आप को ऊपर से नीचे तक निहारें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप डेली डेली ड्रेस नई नई खरीदो, नहीं। आपकी जो ड्रेस है वो प्रेस होनी चाहिए अच्छे से, आपके शूज पॉलिश होने चाहिए, मतलब कि अच्छे से तैयार हो, ठीक है। पंचुअल, आपको टाइम का पंचुअल होना है। कहीं पे भी आपने टाइम दिया कि मैं तो 11 बजे आपके घर आ जाऊंगा, तो 11 बजे से 5 10 मिनट पहुंच जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट कभी भी नहीं होना। तो टाइम का पंचुअल होना बहुत जरूरी है। और किसी से भी अपने अपलाइन में, अपने डाउनलाइन में, क्रॉस लाइन में नेगेटिव वर्ड नहीं बोलने, बिल्कुल भी नहीं बोलने। एक कहावत है आपने सुना होगा कि हम कोई भी चीज नेगेटिव बोलते हैं किसी और को, दूसरे को बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने नजदीकी देखोगे, क्योंकि सुनाई कहाँ से देता है, कान से। लेकिन सबसे नजदीक कान हमारे मुंह के किसके हैं? हमारे खुद के। तो हमारे कानों में नेगेटिव वर्ड जाएंगे और हम खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो दोस्तों किसी को भी नेगेटिव वर्ड बिल्कुल भी नहीं बोलने हैं और सिस्टम को फॉलो करते हुए चलना है। उसके बाद पर्सनल प्रोग्रेस, पर्सनल प्रोग्रेस हमारी होगी। हमें पावर प्रेजेंटर बनना है, मास्टर बनना है प्रोडक्ट डेमोज का, और टेस्टिमोनियल शेयर करने आने चाहिए, अपने डाउनलाइंस को भी सिखानी है सारी चीजें। मास्टर बनना है हमारे, जो हमारा समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 है उसका, और अप्लायंस को कैसे दूसरे से मिलवाते हैं वो एडिफाई आपको अच्छे से करना आना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट हमारे हाथ में होता है कि हमें किस चीज को कैसे मैनेज करना है, तो टाइम को अच्छे से यूज करें। उसके बाद ट्रेनिंग टूल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जो कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाता है। हमारे पास बहुत सारी बुकलेट हैं, उनको भी आप रीड करें, उनमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। ट्रेनिंग वीडियोज हमारे पास है, वो खुद भी देखें, अपने डाउनलाइंस को भी भेजें, बहुत सारी चीजें उसमें भी सीखने को मिलती हैं। और बहुत सारे सेशन हमारे होते हैं, उनको अटेंड करना है डाउनलाइंस के साथ। शुरुआत, रफ्तार, उड़ान, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एडवांस वर्कशॉप, ये बहुत सारी ट्रेनिंग हमारी होती रहती है, तो इनको जरूर ज्वाइन करें। और डुप्लीकेशन, दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेट का है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे डाउनलाइन करते हैं। लीड बाय एग्जांपल बनना है इस बिजनेस में, और डाउनलाइंस को मेंटर बनाना है, ट्रेन करना है, और जो हमारे वर्कशॉप होती है वो खुद भी ऑर्गेनाइज करनी है, और वर्कशॉप में भी जाना होता है। तो बहुत ही सिंपल वे में हम इसको कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं वो लेकर के हम इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको रफ्तार, हमारा एक वर्कशॉप होता है उसमें इन्वाइट कीजिए, जिसमें गो डायरेक्टर, बहुत जल्दी से डायरेक्टर आप कैसे जा सकते हो उसमें बताया जाता है। तो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू नीलम मैम। थैंक यू करना मैम।
थैंक यू सो मच। और आपने जो है ये शुरुआत के जो 10 कदम इतने अच्छे से सिखा दिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि जो लोग जो है इसको इसी तरह से करेंगे तो सफलता उनको चूमने से नहीं रोक सकती है, तो वो आगे ही आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमने ये सब चीजें देख ली, बिग पिक्चर भी देख ली, हमने माइंडसेट भी अपना कर लिया, शुरुआत के 10 कदम भी देख लिए, लेकिन फिर ले आ जाता है कि अच्छा, हमने प्रोडक्ट्स तो कभी यूज नहीं किया, हमें नहीं पता किस तरह से होंगे। तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए, उन्हीं प्रोडक्ट्स, क्योंकि किसी भी कंपनी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या होता है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को देखकर ही जो है आप जो है लोगों को मेंबर जो है उनको बना सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही बढ़िया हैं। तो सबसे पहले मैं स्वीटी जी को बुलाना चाहूंगी, जो हमें स्टरी क्लीन के बारे में जो है वो अपना डेमो जो है दिखाएंगी, क्योंकि घर में सफाई जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तो बारिशों के दिन है, तो घर में जो बाहर से जब आते हैं तो जूतों के साथ कीचड़ और ये सब भी आता है, तो हमें घर को साफ रखना जो है वो बहुत ही जरूरी है, तो उसी को दिखाने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ स्वीटी जी को। ओवर टू यू स्वीटी जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज ये मैं आपको बताऊंगी ना एक बहुत जाना माना प्रोडक्ट स्टेरी क्लीन का। तो ये स्टेरी क्लीन का प्रोडक्ट है, हमारा साफ सफाई में यूज होता है। उसी के कंपैरिजन में फ्रेंड्स एक ये प्रोडक्ट है मार्केट का। तो ये 2 ग्लास में मैंने पानी लिया है, जैसे कि दो ये फर्श है जैसे डेली हम घर की साफ सफाई करते हैं। तो ये उजाला नील है, इसमें कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फर्श पे आते हैं। तो मैंने ये दो फर्श को एक जैसा गंदा कर लिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक जैसे गंदे हो गए हैं। अब एक की सफाई हम इससे करेंगे। इसका हमें मार्केट, इसका हमें टीवी पे ऐड देखा, और जो ऐड देखते हैं उसमें क्या कहते हैं कि एक बाल्टी में एक ढक्कन डालो तो ये 99% कीटाणुओं को किल करता है। तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। इसी के कंपैरिजन में फ्रेंड्स ये अपना स्टेरी क्लीन है। हम बोलते हैं कि इसकी सिर्फ 8 से 10 बूंदे डालनी होती है एक बाल्टी में, और ये अपना काम अच्छे से करता है। इसको एक बाल्टी में सिर्फ इतना यूज करना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट आपके सामने है, इसने अपना काम कर दिया है, और ये ऐसे कैसे हैं। उसके बाद जो हम पानी यूज करते हैं पोचे का, उसको उसका क्या यूज होता है, इसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन जो हमारा स्टेरी क्लीन का पानी है उसको आप प्लांट में यूज कर सकते हो। ये हमारे लिए, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत सेफ है, क्योंकि देखो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो पानी होता है हम कहीं भी डालते हैं वो जमीन में जाता है, और हमें पानी जमीन से ही मिलता है। अगर हम जमीन को केमिकल देंगे तो कहीं ना कहीं घूम के हमें केमिकल ही मिलने वाला होता है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं ये, तो ये सेफ है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर इसको यूज करते हैं तो घर में मक्खी वगैरह नहीं आती, हमारा जो फर्श है वो बिल्कुल क्लीन होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू स्वीटी जी। सो अब मैंने कहा कि आप सबने देख लिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो है बिल्कुल बढ़िया है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा है अमृत शक्ति, जिसको दिखाने के लिए आ रही है प्रियंका जी। और ये प्रोडक्ट तो वास्तव में कमाल का है। आज मैं बाहर गई थी बाई चांस खाने, और मुझे पता आजकल बारिश है तो लगता है कि पेट खराब ना जाए, आते ही मैंने जो है एक गोली अमृत शक्ति की ले ली, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। तो वेलकम प्रियंका जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रियंका है, और आज ये जैसा कि मैम ने बताया, हमारा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है अमृत शक्ति, जिसका डेमो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मैंने एक ग्लास में पानी लिया फ्रेंड्स, और जैसा कि हमारे जब भी हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, कुछ तला भुना ज्यादा हम खा लेते हैं, तो हमारे पेट में तो दिक्कत होती है थोड़ा सा, वो एनवायरमेंट कुछ इसी तरह का होता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी के अंदर ग्लिटरीन जो है वो डाल दिया। तो इसके अंदर ऐसे सॉफ्ट जेल फॉर्म में ये हमें मिलता है फ्रेंड्स, तो इसमें से एक जो सॉफ्ट जेल है वो मैंने लिया है, उसको मैं पिंच करूंगी, और इसके अंदर जितना भी ऑयल है
वो हम इसके अंदर डाल दूंगे। इसके अंदर फ्रेंड्स लौंग होता है, कपूर होता है, मेंथोल होता है, जो कि हमारे पेट की सारी बीमारियों को दूर करने में हेल्प करता है। हमारे पेट में गैस की प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल रामबाण इलाज है फ्रेंड्स। कितनी पुरानी गैस की प्रॉब्लम हो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कई बार जैसे हम बताएं हम बाहर जाते हैं, हमें सफर में कई लोगों को वोमिटिंग होती है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। आप जाने से आधे घंटा पहले इसको लो तो कितना ही लंबा सफर हो आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार बच्चों को दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स, उसमें आप हम इसको दे सकते हैं। हम कुछ बाहर का खा लेते हैं और पेट फूल सा जाता है हमें, तो उसमें भी अमृत शक्ति बहुत अच्छे से काम करती है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसने पूरी उसको गंदगी को क्लीन कर दिया। ऐसे ही हमारे पेट को के अंदर जितनी भी गंदगी होती है उसको क्लीन कर देती है और हमें हेल्दी रखती है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत ही बढ़िया से आपने जो है इसको दिखाया। सो नेक्स्ट जो है मैं बुलाना चाहती हूँ कविता जी को, जो हमें जियो के जो है डेमो जो है वो दिखाएंगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम जब भी बाहर जाते हैं तो स्मेल ना आए, तो हम जियो का यूज करते हैं। तो वो दिखाएंगी कि कौन सा जियो जो है वो सबसे बढ़िया है। ओवर टू यू मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, नाम कविता है। आज मैं आपको मोदी केयर के बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने आई हूँ। वो है हमारा डियो। तो ये तीन तरह का आता है, जेंट्स का, ये लेडीज का है। तो मैं आपको एक डेमो के द्वारा दिखाती हूँ कि ये कैसे हमारी स्किन के लिए सेफ है और बाजार वाले किस तरह से हार्मफुल है। ये मैंने स्किन बनाई है, ये है बाजार वाला, आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमारी स्किन पे वर्क कर रहा है। और ये है हमारा मोदी केयर का, तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से फैल रहा है और ये मोदी केयर का है कितना सेफ है। तो इसमें जो बाजार वाला है इसमें हार्मफुल केमिकल है, ये हमारी स्किन को डैमेज करता है। आस्ते आस्ते आप रेगुलर यूज करेंगे तो आपकी स्किन काली होने लग जाती है और स्किन एलर्जी होती है। लॉन्ग टाइम तक आप इसको यूज करोगे तो आपको कैंसर तक की प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा इतना सेफ है, इसको बड़े बूढ़े बच्चे सब इसको यूज कर सकते हैं। और पूरा दिन भर आप एक बारी सिंगल यूज करोगे तो पूरा दिन भर तक का आपकी स्किन महक रहेगी। दूसरे डेमो के द्वारा मैं दिखाती हूँ, ये 2 गिलास है, ये बाजार का है। एक और ये इसमें मैंने स्प्रे की है, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा इसमें किस तरह से एकदम से आग लग गई है। तो इसका मतलब यह है इसमें हार्मफुल केमिकल है। और ये है हमारा मोजी केयर, ठीक है जी। ओवर टू यू मैम, मेरा थैंक यू मैम। डेमो आपने डेमो ये दूसरा जो दिखाया डेमो बहुत ही बढ़िया दिखाया है। वास्तव में हम अगर अपनी स्किन को बचाना चाहते हैं तो हमें मोदी केयर का जियो जो है वो यूज जो है वो करना चाहिए। और अब नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ दीप्ति जी को, जो हमें बियॉन्ड ब्लू का डेमो जो है वो दिखाएंगी। ओवर टू यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीप्ति ठाकुर। आज मैं आपको मोदी केयर के एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका नाम है बियॉन्ड ब्लू पावरफुल लिक्विड टॉयलेट क्लीनर है। इसका डेमो करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमने 1 ड्रॉप जो है इस पर लगा दी है। इसका सेकेंडरी यूज है, टॉयलेट के लिए भी यूज होता है और हम पूजा के बर्तन को भी इससे साफ कर सकते हैं। ये देखिए, ये 90 सेकेंड में अपना वर्क करता है, बट इसमें 90 सेकेंड तो इसने नहीं लिए, मैंने बहुत जल्दी इसे क्लीन आउट कर दिया है। ये देखिए, इसने आप अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है। ये बिफोर आफ्टर इस तरह का इसने अपना काम किया है। ये 90 सेकेंड में जो अपना काम स्टार्ट कर देता है, हम अपनी जब भी टॉयलेट शीट पे इसको डालते हैं तो ये अपना कलर जो है वो चेंज कर देता है। फर्स्टली इसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जब भी अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है तो अपना कलर चेंज करता है, ब्लू कर देता है। ये बायो सेफ होता है, इससे कोई हाथों में कोई इचिंग नहीं होती है। इसका सेकेंडरी यूज है, इससे हम पूजा के बर्तन भी साफ कर सकते हैं, टॉयलेट भी साफ कर सकते हैं अपने, और वॉश बेसिन वगैरह और भी बहुत चीजें साफ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे मोदी केयर का। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू दीप्ति जी। और लास्ट जो हमारा डेमो है वो है हमारा प्रो वाइट सीरम का, जिसके लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ उर्मिला सिंह जी। ओवर टू यू मैम।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उर्मिला सिंह गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जिस प्रोडक्ट को आप शेयर करने जा रही हूँ वो है हमारा प्रोवाइट सीरम, अर्बन कलर प्रोवाइट सीरम एंटी उसका है। तो ये हमारा ऐसा सीरम है जो कि पिंपल्स या छाइयाँ हो जाती हैं हम लोग के चेहरों पे, तो वो किस तरह से हमारे अंदर एब्जॉर्ब करके और कैसे वो क्लीन करता है, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे स्किन पे वर्क करता है। तो एक वाइप लेंगे हम, आप देख सकते हैं ये मेरे स्किन में भी कई लेयर होते हैं, उस लेयर की वजह से हम इसको कई फोल्ड कर लेते हैं और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा स्किन है। अब इस पे जो है दाग, बीटाडीन से इसमें दाग बनाएंगे। बीटाडीन एक बहुत जिद्दी दाग है जो कि जल्दी जाता नहीं है, तो खत्म नहीं होता है, जल्दी छूटता भी नहीं है। उसी तरह से हमारे स्किन पे अगर छाइयां वगैरह हो जाती हैं तो वो जल्दी से जाती नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने दाग जो है डार्क सर्कल हो गया है, जो कि लेयर वाइज आपको दिख रहा होगा हमारी स्किन के कितने लेयर, जितने भी लेयर होते हैं उसके अंदर ये दाग चला जाता हो जाता है। तो हम उसे इलाज कराते हैं फिर भी वो ठीक नहीं होता है। तो एक सीरम ये हमारा जो मोदी केयर का है, इसे यूज करके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये रिमूव करता है इसके अंदर। तो आप फ्रेंड्स देखिए, जितने ड्रॉप्स हम इसमें डालते जाएंगे, दिख रहा होगा आप लोग को, तो वो कैसे व्हाइट टोन के उसमें रिमूव करके वो कैसे व्हाइट टोन कर दिया है और पूरे अंदर तक ये एब्जॉर्ब होता चला गया है। तो इसी तरह से ये सीरम है कि आप जब भी हफ्ते में एक हफ्ते तक अगर रेगुलर लगाते हैं रात में, तो इसी तरह स्किन में एब्जॉर्ब करके आपके अंदर रिमूव करके और बहुत अच्छे से वर्क करके आपका क्लीन कर देता है। तो ये मोदी केयर का पावर है। इस तरह से इसके सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, हमारा तो फेवरेट है ये। थैंक यू मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम। सो फ्रेंड्स, अब आपने देखा कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो भी वंडरफुल है। तो अब कोई भी ऐसा हमारे पास अब वो नहीं है कि हम मोदी केयर को ज्वाइन ना करें। तो आप जल्दी से मोदी केयर को ज्वाइन करें और मोदी केयर की फैमिली में जो है अपने आप को लेकर आए। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड मोदी केयर।